हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो होगा Mi CC9e। क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन का एक ऑफिशियल वीडियो vivo.com के सामने निकल के आ चुका है, जिसे फिलहाल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों ये जो Xiaomi का नया सीरीज है सी सीरीज, इसे बनाया गया जो यंग जनरेशन उन्हें टारगेट करते हुए, जिन्हें अपने स्मार्टफोन के ऊपर काफ़ी तगड़ा कैमरा चाहिए और जिन्हें सेल्फी लेने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। इतने ही नहीं दोस्तों, इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव और अफोर्डेबल होने वाली है। और आपको ये सी सीरीज के अंदर CC9e के अलावा एक और एक फोन भी देखने को मिल जाएगा जो होगा CC9, जहां पे आपको और थोड़ा बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा CC9e के कंपैरिजन में। दोस्तों CC9e को पकड़ा गया Geekbench के ऊपर भी, जहां पे इसके थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन भी कंफर्म हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला Mi CC9e का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस में और कब तक ये लॉन्च हो सकता है। तो इसी बात पे दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप इस तरह के वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको एक सैंडविच डिजाइन देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रंट एंड बैक में ग्लास दिया जाएगा। फिलहाल आप इस स्मार्टफोन को देख सकते हो जो कि कंप्लीटली व्हाइट कलर में और काफी क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। साइड में यहाँ पे सिल्वर का बेजल दिया गया जो कि बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे व्हाइट कलर के साथ ब्लेंड हो रहा है और ओवरऑल काफी अच्छा लुक यहाँ पे स्मार्टफोन का निकल के आया है। दोस्तों पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा, उसके नीचे आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का होने वाला है और एकदम एंड में यहाँ पे Xiaomi की ब्रांडिंग दी गई है। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.3 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया और इसकी रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस, और इसी नॉच में दिया जाएगा इसका सेल्फी कैमरा जिसकी रेजोल्यूशन होगी 32 मेगापिक्सल की। पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा, जिसमें से पहला सेंसर है 48 मेगापिक्सल का और ये सोनी का सेंसर हो सकता है जो है IMX586। दूसरा सेंसर यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस होगा और 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो CC9e आएगा Qualcomm के प्रोसेसर के साथ जो होगा Snapdragon 712। ये एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है जिसे बनाया गया 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के बेस पर, जिसका परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा मिलने वाला है और पबजी जैसा गेम भी आप बहुत ही स्मूथली इस स्मार्टफोन के ऊपर चला पाओगे। और गेमिंग के लिए यहाँ भी GPU दिया जाएगा Adreno का 616। दोस्तों फोन को पावर करेगा 4000mAh की बैटरी, जहाँ पे आपको 18W का चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। डेटा सिंकिंग और फोन की चार्जिंग के लिए यहाँ पे टाइप सी दिया गया है। दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको AutoWork Android 9 देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके ऊपर चलेगा इनका कस्टम UI जो होगा MIUI 10। दोस्तों ये फोन आ सकता है टोटल 3 वेरिएंट में, जहाँ पे पहले वेरिएंट में आपको मिलेगा 6GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, दूसरे वेरिएंट में मिलेगा 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज, और तीसरे वेरिएंट में आपको मिल सकता है 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज। दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें कि प्राइसिंग और लॉन्च डेट की, तो फिलहाल Xiaomi की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली और कब तक इसे लॉन्च करेंगे, लेकिन जिस तरह से इसका वीडियो जो vivo.com के ऊपर निकल के आ चुका है और Geekbench पे भी यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन पकड़ा गया है, तो ऐसे में ये सब देख के यही लगता है कि जुलाई के अंदर इस फोन को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और स्पेसिफिकेशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस करीब 18,000 से 19,000 रुपए यहाँ पे हो सकती है। और आगे चल के दोस्तों अगर यही स्मार्टफोन इसी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के साथ अगर इंडिया में लॉन्च होता है, तो ऐसे में आप क्या इस फोन के लिए वेट करोगे और इसे लेना चाहोगे, ये जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करिए, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।